सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभी आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोफोरेसिस। कोई मुझे बताएगा क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस? क्या जानते हो आप? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और किसका सेपरेशन? हैवी बैंड्स एंड लाइट बैंड्स एंड कोई और? कोई भी नहीं। क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस? जिसको अटेंड नहीं करनी क्लास जा सकते हो आप पीछे व्हाइट शर्ट। क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस? सेपरेशन ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन। सबसे इम्पोर्टेंट बात बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो। सेपरेशन पर किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में। नाम से ही पता चल रहा है अपने को इलेक्ट्रोफोरेसिस। किसमें? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी आयन का मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन क्या होता है अपना? इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपको राइट डाउन नहीं करना है, आपका मैनुअल आपको पता है ना? सबको बताया गया है मैनुअल, एस के गुप्ता, डॉक्टर एस के गुप्ता बुक, ठीक है? तो वहां से आपको राइट डाउन करना है आपका जेल, मेन आपका इंपॉर्टेंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो वहां से आपको राइट डाउन करना है। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो वो आपको एसडीएल के फॉर्म में राइट डाउन करने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स वन ऑफ द इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। आयंस का मूवमेंट किसमें? अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक तरफ अपना क्या होगा? कैथोड होगा, एक तरफ एनोड। प्रिंसिपल पढ़ते हैं। प्रिंसिपल क्या है? कोई भी सब्सटेंस अपना वाटर में क्या डिसोशिएट हो जाता है उसके आयंस में। बैठो जल्दी, चलो। पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, सबको पता है, सब पढ़ के आए हैं ट्वेल्थ में, बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है ये, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, एक तरफ क्या होगा अपना? कैथोड और एक तरफ एनोड। तो अपने जो डिसोशिएट हुए हैं आयंस, एक होंगे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, वो आपस में एक दूसरे की तरफ जल्दी, जो भी है जल्दी। अनायंस कहाँ जाएंगे? एनोड की तरफ। एंड कटायंस कहाँ जाएंगे? अपने कैथोड की तरफ। तो प्रोटीन्स आर कोलोइडल पार्टिकल्स एंड चार्ज डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन एल्केलाइन। अपने को पता है प्रोटीन्स किसकी तरह रिएक्ट करता है एल्केलाइन सॉल्यूशन में? किसकी तरह रिएक्ट करेगा? एसिडिक की तरह। एंड एसिडिक मीडियम में किसकी तरह करेगा रिएक्ट? एल्केलाइन की तरह, ठीक है? इलेक्ट्रोफोरेसिस इज वाइडली यूज्ड एनालिटिकल टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज प्लाज्मा प्रोटीन्स, लाइकोप्रोटीन्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सम फैक्टर्स आर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है? बफर्स, साइज ऑफ चार्ज पार्टिकल, पीएच ऑफ मीडियम, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड आयंस, सपोर्टिंग मीडिया। अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में थ्री टाइप्स होते हैं, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनोफोकसिंग एंड इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो यहाँ पे सपोर्टिंग मीडिया टू होते हैं, पेपर एंड जेल। जेल कुछ भी हो सकती है। तो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपन टू टाइप्स पढ़ते हैं, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस फर्स्ट, आपने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा हुआ है। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता था? क्या होता था क्रोमेटोग्राफी में? अभी पिछली बार ही पढ़ा हुआ है आपने क्रोमेटोग्राफी। क्या सेपरेट हो जाते थे? वही सेपरेशन है, पर यहाँ पर क्या है अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे। डायग्राम देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक फिल्टर पेपर लेना है। कौन सा? वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर वन। क्या करना है उसको? बफर सॉल्यूशन में डिप करना है। देन जो अपना ये इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस है, जो देखिए बीच में अपना फिल्टर पेपर है, ठीक है, लिखा हुआ है फिल्टर पेपर, ये अपने को रखना है जो दोनों बफर सॉल्यूशन में डिप रहे, उसके दोनों एंड अपने बफर सॉल्यूशन में डिप रहने चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको कनेक्ट करना है। कितनी देर के लिए? 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डिस्कनेक्ट कर देना है। फिर जो आप सैंपल जिसको आपको सेपरेट करना है, वो आपको यहाँ पर 10 माइक्रोलीटर जो सैंपल बीच में लिखा हुआ है, सैंपल माइक्रोपिपेट से डालना है। देन उसके बाद फिर से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट करना है। कितनी देर के लिए? 15 to 18 आवर्स।
इसको बंद कर देना है, रख देना है, 15 टू 18 आवर्स के बाद आप इसको देखोगे इसमें बैंड शो होंगे, जैसे आपने क्रोमेटोग्राफी में देखे थे ना बैंड, देखे थे ना, ऐसे ही यहाँ पर पेपर पर बैंड बनते हैं। नेक्स्ट आता है अपना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करना है, ये अपने बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कभी आपको परफॉर्म करवाया जाएगा जब भी, ठीक है। एक चैम्बर है, एपरेटस है, आप देखिए जो दो ये वाला चैम्बर एंड ये वाला चैम्बर, इन दोनों में क्या फिल किया जाता है अपना बफर सॉल्यूशन, एंड ये बीच वाला चैम्बर है यहाँ पर क्या फिल किया जाता है अपना जेल, जेल किसका, जो जिसके भी साथ आप परफॉर्म कर रहे हो, एगारोज, पॉलीएक्रिलमाइड, जो भी जेल आप परफॉर्म कर रहे हो जिसके साथ, पहले उसको क्या किया जाता है अपन लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे, लिक्विड फॉर्म में इसको इसमें डालेंगे, कब तक, जब तक कि वो सॉलिड फॉर्म में ना हो जाए, ठीक है। इसमें एक कॉम्ब लगाया जाता है बीच में, जब तक कि वो सॉलिड ना हो जाए, सॉलिड होने के बाद उसको कॉम्ब निकाल लिया जाता है, जिससे क्या उसमें वेल बन जाते हैं, जो वेल बने हैं वहां पर अपन क्या करेंगे, जो अपने को सैंपल सेपरेट करना है, सीरम, प्लाज्मा, जो भी यूरिन, जिसको भी आपको सेपरेट करना है, वो सैंपल अपन ने डिप किया यहाँ पर एंड इसको कवर कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट किया, तो यहाँ पर भी अपने क्या बन जाएंगे, बैंड बन जाएंगे, उनको हम रीड करेंगे, ठीक है। आपके कौन कौन से बैंड बनते हैं नॉर्मली, कौन कौन से बैंड बनेंगे, एल्ब्यूमिन, अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा वन, अल्फा टू, गामा एंड बीटा ग्लोबुलिन। नेक्स्ट आता है आपका आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। अभी तक अपन ने कौन सा देखा, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपने दो थे, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या था, सबसे पहले हमने एक वॉटमैन नंबर वन फिल्टर पेपर लिया, उसको वेट किया किसमें, बफर सॉल्यूशन में, जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोफोरेसिस का एपरेटस है उसमें डाला अपन ने, जिसके हाँ कैसे डालेंगे कि जो बफर सॉल्यूशन है उसमें वो डिप रहे, जो उसके दोनों पोर्ट्स है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्ट किया कितनी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे उसको सैंपल अपन पोर करेंगे उस पर, फिर 15 टू 18 आवर्स के लिए फिर से उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कनेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करना है उसको ड्राई करना है 110 डिग्री सेल्सियस पर, फिर उसके बाद क्या करना है, उसमें क्या किया था आपने, निनहाइड्रिन सॉल्यूशन में से निकाला था ना, यहाँ पर भी डाई यूज करेंगे जिससे अपने को बैंड शो हो। फिर नेक्स्ट आता है अपना कौन सा, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग में क्या होता है, प्रोटीन का सेपरेशन होगा उसके आइसो इलेक्ट्रिक पीएच के बेसिस पर। अब आइसो इलेक्ट्रिक पीएच क्या होती है, हमेशा प्रैक्टिकल में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, अपने को पता है प्रोटीन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, एसिडिक में एल्किलाइन की तरह एंड एल्किलाइन में एसिडिक की तरह। अब आइसो इलेक्ट्रिक पीएच क्या होती है, ऐसी पीएच जिस पर वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटीन का सेपरेशन होगा, प्रोटीन मूवमेंट करेगी कब तक, जब तक कि वो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच तक ना पहुंच जाए। तो केसिन का आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कितना था एंड एल्ब्यूमिन का 5.2। जैसे अपन बात करें कि भाई प्रोटीन मूवमेंट कर रही है, ठीक है, तो कहां से, कम से ज्यादा की तरफ, तो जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कम होगा वो पहले सेपरेट हो जाएगी, उसका बैंड पहले बन जाएगा, जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पीएच ज्यादा होगा उसका बैंड बाद में बनेगा। तो पहले आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग से पहले सब डिस्टर्ब्ड है, आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग के बाद में जिसकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच कम है वो सबसे नीचे, जिसकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच उससे ज्यादा है वो उससे ऊपर, जिसकी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच उससे ज्यादा है वो उससे ऊपर। नेक्स्ट आता है अपना इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपको पता है हर एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी स्पेसिफिक है, पता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ी है, एक हर एंटीजन के लिए एक एंटीबॉडी स्पेसिफिक है, वो उससे ही बाइंड करती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्यूनोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है, वही अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस का एपरेटस होगा जेल में या वैसे, तो वहां पर क्या लिया जाएगा अपना एंटीबॉडीज।
कोई भी एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जैसे कि मैं मानती हूँ मुझे कोई डिजीज हो गई कुछ भी, ठीक है, मुझे दिखना है कि है या नहीं, तो मेरी बॉडी में उसके एंटीजन होंगे, होंगे या नहीं, डिजीज है तो होंगे ही एंटीजन, तो कैसे करेंगे पता, इलेक्ट्रोफोरेसिस के एपरेटस में उसके अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडीज है वो अपन ने फिल की, जो सैंपल है वो सेपरेट किया उसमें, तो उसकी एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करके बैंड का फॉर्मेशन करेंगे। एप्लीकेशन क्या क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, यूरिन एंड सीरम में अपने प्रोटीन्स के सेपरेशन में, ड्रग्स के टेस्ट में, ठीक है, अमाइनो एसिड के सेपरेशन में। आप देखिए ऐसे बैंड शो होते हैं, ये बिल्कुल फिक्स है, ऐसे ही बैंड शो होंगे नॉर्मल नॉर्मल इंडिविजुअल में, ऐसा ही बैंड शो होगा। अगर कुछ भी एबनॉर्मेलिटी होगी तो वो डिफाइन हो जाएगी। जैसे आप सबसे ऊपर देखिए, सबसे आगे जो ब्लू कलर का है वो कौन सा है अपना, एल्ब्यूमिन, फिर उसके बाद अल्फा वन, उसके बाद अल्फा टू एंड बीटा एंड गामा, तो ये कौन सा है अपना नॉर्मल बैंड। नेक्स्ट है अपना मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है, मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है लिखा हुआ है सामने फिर भी आंसर नहीं कर पा रहे हो आप। एम बैंड का फॉर्मेशन होता है किस किस के बीच में, बीटा एंड गामा बैंड के बीच में। तो देखो मल्टी, आपने नॉर्मल देखो, नॉर्मल से कंपेयर किया हमने, नॉर्मल बैंड देखो फिर मल्टीपल माइलोमा का बैंड देखो, दिख रहा है एम बैंड, कंपेरिजन करेंगे, एम बैंड शो हो रहा है किसके केस में, मल्टीपल माइलोमा के केस में। क्रोनिक इन्फेक्शन में देखो आप, जो आपका एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन की साइज में डिफरेंस आ रहा है, एल्ब्यूमिन की साइज में डिफरेंस आ रहा है ना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखो आप, जो आपका अल्फा टू बैंड है वो इंक्रीज हो रहा है, अल्फा टू बैंड में इंक्रीज हो रहा है एंड एल्ब्यूमिन का कलर ही चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना सिरोसिस ऑफ लीवर, इसमें भी देखोगे आप अल्फा टू बैंड में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना ये, अच्छा प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस बता दो बस मुझे एक बार, बहुत सिंपल सा पेज, किसमें होते हैं और किसमें नहीं होते। हम अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दे तो कौन सा सेपरेट होगा, अपना सीरम। तो हम ये सारे टेस्ट किसके साथ लगा रहे थे अभी, सीरम के साथ। जब हम प्लाज्मा के साथ टेस्ट लगाते हैं, सबसे लास्ट वाला देखो आप, जब हम प्लाज्मा के साथ टेस्ट लगाते हैं तो बीटा एंड गामा बैंड के बीच में, बीटा एंड गामा बैंड के बीच में एक बैंड शो होता है, किसकी वजह से, क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से। तो ये हमें मिसगाइड करता है, बहुत से लोग फिर इसे क्या समझेंगे कि मल्टीपल माइलोमा का केस है, एम बैंड है, इसलिए हम इसे किससे लगाते हैं, सीरम से। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लीजिए।